बेहद खूबसूरत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टियाँ मनाने आते हैं, लेकिन इस द्वीप के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आज हम आपको अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे ही तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनको जानकर आपको हैरानी होगी। द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है जो संस्कृत मूल के मलय भाषा से प्रचलित हुआ है। दरअसल मलय में रामायण के हनुमान पात्र को हंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब है नेकेट लोगों को का लैंड। यहाँ रहने वाली मूल जाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं। यह 500 से भी कम की संख्या में है और बाहरी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान पहुंच ही नहीं सका है। इसके कुल 572 आइलैंड्स में से 36 ही जाने या बसने लायक हैं। यहां पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुआ पाया जाता है। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। 20 के नोट पर आपने जो घना जंगल वाला हिस्सा देखा है, वह जंगल वाला हिस्सा अंडमान द्वीप समूह का ही है। अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी करने का अवसर मिलता है और वह अपनी जिंदगी जीती हैं। अंडमान के आइलैंड्स पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी। ऐसा सौभाग्य कैचल आइलैंड को मिला था। अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब दिखेंगी। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उष्णकटिबंधीय आइलैंड से ढेरों तितलियां यहाँ पहुँचती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हैं। इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वालकोनो देखने को मिलेगा। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में ही है। डेनिश कॉलोनियल रूल यहाँ 1868 में ख़त्म हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। अंडमान के दो आइलैंड्स का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड हैं हैवलॉक और नील आइलैंड। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए चर्चित था। यहाँ की सेलुलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। भारत से ज़्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नज़दीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा इससे 800 किलोमीटर दूर है। अंडमान आइलैंड का 90% इलाका सघन जंगली है। यह भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा है। ये थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।